नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी अनिल पांडे 175 कैंट विधानसभा क्षेत्र लखनऊ ने आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन अपने कार्यालय पर बड़े सरल एवं सहज तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए केक काट कर मनाया। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ। सर, आपका नाम? अनिल पांडे, 175 कैंट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखने वाले हैं उन सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि सर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का दौर चल रहा है तो अन्य राजनीतिक पार्टियां दिल्ली से भी केजरीवाल की पार्टी उतरी है, आम आदमी पार्टी, तो वो लोग कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे, माफ देंगे, माफ़ कर देंगे, हाफ कर देंगे, और स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आप आगामी विधानसभा 2022 को लेके क्या रणनीति और योजनाओं को लेकर आए हैं? आप अगर जीत आपको हासिल हो जाती है 2022 के चुनाव में तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को के लिए क्या करना चाहते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। रोशनी जी, इस बार कैंट विधानसभा में इतिहास बनेगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ लगातार जो भी विधायक आ रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि हम नामिनेशन के एक दिन पहले हमारा जो है नाम क्लियर होगा और हम चाहे काबिल हो नाकाबिल हो, कहीं जाएं, विकास करें चाहे ना करें, चुन लिए जाएंगे। लेकिन जनता इस बार इन लोगों की गलतफहमी को दूर कर देगी और रोशनी बहन, जो जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है, जो कि निश्चित रूप से दे रही है, भारी तादाद में जनसमर्थन और प्यार उमड़ रहा है, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, यहाँ पे जरा सा भी बारिश होती है तो बिल्कुल लगता है कि तालाब है और पूरा घरों घरों तक अंदर पानी भर जाता है। उसके लिए हम सीवर का सुदृढ़ीकरण पूरी तरीके से करेंगे और जिससे कि पूरी कैंट विधानसभा में ये जो जलभराव की समस्या है इससे निजात मिले और जो भी रास्ते हैं, रास्तों में जो भी रोड बने हुए हैं वो रोड इतने गड़बड़ हैं और जरा हर जगह से उखड़ उखड़ के जैसे मालूम पड़ता है कि रोड नहीं है, वो गड्ढे हैं, तो उससे भी जो है हम लोग, अब बहन जी के कार्यकाल में आपने देखा जो भी रोड बने आज तक चल रहे हैं, इन लोगों के कार्यकाल का आप देख लीजिए, दुए महीना बाद सब उखड़ जाते हैं, तो एक तो रोड की भी जो भी दिक्कत है उसको भी हम लोग सही करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो बहन जी के जन्मदिन पर, 66वें जन्मदिन पर, एक तो सबसे पहले कैंट विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी क्षेत्रवासियों समस्त जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी लोगों की तरफ से बहन जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। और बहन जी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 भी कहा गया, और इस समय बहन जी के जन्मदिन पे जो संदेश देना चाहते हैं हम लोग, यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी लोग मिलके बहन जी के जन्मदिन पे तभी हम लोग सार्थकता पूरी कर पाएंगे जब हम लोग कैंट विधानसभा में इस बार इतिहास बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी संदेश हो उनको पहुंचाकर और कैंट विधानसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीट को हर हाल में यहां पे जिताकर और बहन कुमारी मायावती जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री हम लोग बनाकर कभी बहन का, हमारी जो बहन है हम लोग यही उनको रिटर्न गिफ्ट बहन कुमारी अपनी बहन जी को देना चाहते हैं, ये हम लोग हर हाल में। और इस जो भी मेन जो संदेश ये है कि समस्त लोग जितने भी हैं हम लोग कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए बहुत सादगी से, जैसा कि निर्देश है माननीय बहन कुमारी मायावती जी का,
उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे बहन जी का जन्मदिन बहुत सादगी से मना रहे हैं और यही कहना चाहते हैं सभी से कि सब लोग जो भी कोरोना है उसके जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम सभी लोग प्रचार प्रसार और जो भी संदेश है बहन जी का उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्योंकि आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, यदि जनता यहाँ चुन के आपको भेजती है, विधायक बनाती है, तो प्रमुख प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं यहाँ पे सबसे पहले सीवर, यहाँ पे जैसे पानी अगर जरा भी बरस जाता है तो जो भी क्षेत्र हैं बहुत सारे एकदम तालाब बन जाते हैं और जलभराव की समस्या यहाँ पे आम है। पानी घरों के अंदर भर जाता है और बहुत ही हम लोगों के जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, बहन बेटियाँ, भाई बहन, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो भी जलभराव की समस्या है इसको पूर्ण रूप से सीवर वगैरह या जो भी अन्य चीज़ें होंगी उसको पूरा कंप्लीट करते हुए यहाँ की जो भी समस्या ये है जलभराव की इसको दूर करेंगे और जो भी लिंक अंदर की जो भी रोडें हैं वो सारी रोडें ध्वस्त हैं। उनके अलावा हम लोग मास्क लगाकर और सभी लोगों से अपील करेंगे कि जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग मास्क लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संदेश है बहुजन समाज पार्टी का उसको सभी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जब हमारा जो मुख्य एजेंडा है, हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि यहाँ हमारी जो प्राथमिकता ये है कि यहाँ पे जो भी नफरत वाली राजनीति है, सपा और भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है, इतनी नफरत की खाई पैदा कर दिया है इन दोनों दलों ने कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से अवगत है। हम लोग इस खाई को दूर करेंगे और जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बनाकर रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सभी लोगों के माध्यम से जो जलभराव की समस्या है सीवर वाली उसको पूर्ण रूप से कैंट विधानसभा के अंदर कंप्लीट उसको डेवलप किया जाएगा। जो भी रोडें हैं रोड का पूरा सुदृढ़ीकरण यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे जो मुख्य ये है कि हॉस्पिटल, कैंट विधानसभा में एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक हम यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल विकसित करें जिससे कि यहाँ पे जो भी जनता है उसको पूरी तरीके से जो उसकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है वो सही हो सके। और यहाँ पे जो छात्र हैं, जो युवा छात्र हैं हमारे, उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए मुफ्त कोचिंग का यहाँ पे हम लोग व्यवस्था करेंगे और जल और पानी घर घर तक आरओ वाला पानी पहुँचे उसके लिए व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे हैदर किनाल के किनारे जो लोग रह रहे हैं उसको पूर्ण स्वामित्व देने का काम करेंगे उन घरों को। ये सब हमारे मुख्य एजेंडा है। जैसा कि कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि हम 85-15 का रेशियो रखेंगे और साथ ही साथ जिस पार्टी और जिस दल को मैंने छोड़ा है वो दल कहीं किसी काम का नहीं रह गया, चाहो तो आप उसके बारे में बहन जी से पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं क्योंकि अब बसपा कहीं नामो निशान बचा नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल माध्यम से बताना चाहते हैं कि गलत फहमियाँ वो पालें, उनको इसका अधिकार है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे पहले चुनावी मैदान में कूद कर अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों की घोषणा बहन जी कर चुकी हैं। उसके अलावा इतिहास है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, पहले जनता दल, उसके बाद बसपा, उसके बाद भाजपा, अब सपा। तो हम लोग इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हैं हम लोग 20-20 साल हो गया हम लोगों को और हम लोग चाहे सुख हो चाहे दुख हो हम लोग किसी को छोड़ने का काम नहीं करते हैं। अगर हम किसी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, उस विचारधारा को अपनाते हैं, तो उस विचारधारा को हम तभी ख़त्म करेंगे जब हमारी जान चली जाएगी। ये अवसरवादी लोग हैं और जनता इनको अच्छे से जानती है। ये लोग सिर्फ
इनके लड़के को टिकट नहीं मिला तो बसपा छोड़ दिए, इनके लड़के को टिकट नहीं मिला तो भाजपा छोड़ दिए। पुत्र मोह में ये लोग कहते हैं कि हमारा अकेला लड़का है। अभी कैंट विधानसभा की एक बड़ी नेता है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा एक ही लड़का है। अरे उनके साथ जो कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर कितने लोग मरखप गए, वो उनके बेटे नहीं हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो उनके बेटे नहीं हैं। वो तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई, उस पर क्या कहेंगे? अब कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, उसके अंतर्गत पॉजिटिव हो गई होंगी, वो जल्दी स्वस्थ हों, यही कहना चाहेंगे।